भारत के राजनीतिक इतिहास में काला दिन है। आज ही के दिन 25 जून 1975 को कांग्रेस पार्टी की नेता तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोपा था। इमरजेंसी यानी कि लोकतंत्र की हत्या थी। इस दौरान विपक्ष के सारे नेता जेलों में घुस दिए गए। जो भी आपातकाल का विरोध किया उनको जेल में डाला गया, कार्यकर्ताओं को भी लाखों की तादाद में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को भी गिरफ्तार किया और जब वो बीमार पड़े तो उनकी हालत को बद से बदतर हो जाने दिया और इसी के कारण लोकनायक जी का किडनी फेल हो गया और उनका असामयिक निधन हो गया। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उससे भी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि श्री नीतीश कुमार और श्री लालू प्रसाद ये दो ऐसे नेता हैं जो आज कांग्रेस पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उनकी गोद में खेल रहे हैं। और ये दो ऐसे नेता थे, ये भी जेल में गया पाता। तो इसीलिए मैंने कहा कि उससे भी ज्यादा दुखद यह है कि लोकनायक जयप्रकाश जी के आंदोलन से उपजे हुए लोग भी आज लोकतंत्र की हत्या करने वालों के साथ मिल बैठकर गीत गा रहे हैं। और अभी मैं जब प्रवेश किया इस जिला अतिथि गृह में तो एक लिखा हुआ गांधी जी का 7 पाप देखा, 7 पाप। उसमें पहला पाप लिखा हुआ है सिद्धांत विहीन राजनीति। इस सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले सबसे बड़े कोई उदाहरण आज है देश में तो उनका नाम है नीतीश कुमार। कभी इधर कभी उधर कोई इनका सिद्धांत नहीं है, सत्ता ही इनका सिद्धांत है। अब इनकी कोई भी न नैतिकता बची है न सिद्धांत बचे हैं। ये 1995 में माले के साथ उन्होंने समझौता किया, माले CPIML, उधर मतलब अति वामपंथी माले। अगले ही साल जब उधर पटरी नहीं बैठी तो भाजपा की तरफ आ, भाजपा ने उनको मान सम्मान दिया, लोकसभा पहुंचाया, केंद्रीय मंत्री बनाया वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि कम सीट होने के बावजूद 2000 में उनको मुख्यमंत्री भी बनाया। तो 27 साल की उनकी राजनीति है और उस 27 साल में वे 20 साल भाजपा के साथ रहे। लेकिन कैसे सिद्धांत विहीन नेता हैं कि इसका उदाहरण यह है, वे कहते हैं कि देश को भाजपा से मुक्त करें। कैसा सिद्धांत है यह, कोई सिद्धांत की बात है? कांग्रेस बात करे तो कोई बात है कि कांग्रेस हमेशा बीजेपी के विरुद्ध में रहा है। राष्ट्रीय जनता दल भी थोड़ी देर तक बात कर सकता है क्योंकि विरोध में रहा। लेकिन नीतीश कुमार जो भाजपा के कंधे पर चढ़ करके ही गद्दी पर पहुंचे हैं और 27 साल के राजनीतिक जीवन में 20 साल भाजपा के गोद में खेले हैं, वे आज भाजपा के विरोध में ऐसी उटपटांग बातें करते हैं। तो सबसे बड़ा सिद्धांत विहीन नेता तो नीतीश कुमार हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री लालू प्रसाद की तानाशाही और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में ही नीतीश कुमार अपनी समता पार्टी का गठन 1994 में किया था। अब लालू जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि परिवर्तन यही हुआ कि उस समय तो अलकतरा घोटाला का ही चार्ज था, बाद में पशुपालन घोटाला का हुआ, अब रेलवे का भी IRCTC घोटाला का चार्ज लगा।
तो भ्रष्टाचार के दिशा में लालू प्रसाद जी पर आरोप बढ़ते गए, लेकिन नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ निकले थे और राजद के विरोध में, आज राजद की गोद में खेल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार से बढ़कर कोई सिद्धांत विहीन नेता नहीं है और ये बदहवास हैं। भाजपा के नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार, चाहे गांव हो या शहर, युवा हो या छात्र, किसान हो या मजदूर, शहर हो या गांव, व्यवसायी हो या काम करने वाला वर्ग, सभी वर्गों के लिए एक से एक योजनाएं लाई और इन योजनाओं का परिणाम है कि आज देश ही नहीं दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और नरेंद्र मोदी जी एक विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं। तो पूरा विपक्ष यानी गैर भाजपा दल बदहवास हैं और बदहवासी के हालत में आप जानते हैं कि आदमी कुछ से कुछ बोलता है। यही हालत आज श्री नीतीश कुमार जी की हो गई। वे कहते हैं कि लोकतंत्र आज खतरे में है। अब बताइए, लोकतंत्र का मैंने एग्जाम्पल दिया कि लोकतंत्र जब खतरे में था, इमरजेंसी लगाया गया, उस इमरजेंसी के दौरान संसद का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, उस इमरजेंसी के दौरान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में कटौती की गई, उस इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति के अधिकारों में कटौती की गई, तो वो लोकतंत्र पर खतरा था, उसके खिलाफ नीतीश जी भी लड़े, लेकिन आज उसी के गोद में आज चले गए। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार की जनता, देश की जनता जानती है, इन पर कोई विश्वास नहीं करती। आने वाले चुनाव में उनको पटकनिया मिलेगा और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार भाजपा की सरकार बनेगी। नीतीश जी कहते हैं कि सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, मोदी के राज्य में सांप्रदायिकता है, कहीं हिंदू मुसलमान की वोट करते हैं। ठीक बात है, मैंने कहा है कि नीतीश कुमार जी बदहवासी में कुछ भी बोलते हैं। अगर आज सड़कें बन रही हैं तो क्या भाजपा वाले या भारत सरकार ये कह रही है कि हिंदू चलेंगे मुसलमान नहीं? अगर गरीबों के घरों में गैस चूल्हा जा रहा है तो कहा जा रहा है क्या कि हिंदू को मिले मुसलमान को नहीं? अगर शौचालय बन रहा है तो कहा जा रहा है क्या कि हिंदू को बने मुसलमान को नहीं? ये तुष्टिकरण की नीति पर चलते हैं। न ये हिंदू का है न मुसलमान का है, ये व्यक्तिवादी हैं और अपना सत्ता में किसी तरह से बने रहना ही इनकी फितरत है। कहीं भी देश में इतना शांति का माहौल, कोई भी दंगा हो रहा है और ऐसा आरोप बदहवासी की हालत लगा रहे, कहा ना कभी लोकतंत्र खतरे में है, कभी संविधान खतरे में है, तो कभी सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। हाववाचक संज्ञा बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, कोई ठोस आरोप उनके पास नहीं है, बदहवास हैं और बदहवासी में ऐसा अंत संत भक्ते रहते। क्या लगता है इससे बिहार बहुत पीछे चला जाएगा? आज बिहार में साइंटिस्ट डॉक्टर को लोगों को बुलाना चाहिए था विकास के लिए। पीछे जाना ही है ना, जिस व्यक्ति को लालू प्रसाद जी को नीतीश कुमार जी ही कहते थे कि जैसे सांड लाल कपड़ा देख के भड़कता है, विकास के नाम पर लालू प्रसाद भी वैसा ही भड़कते हैं। तो बताइए, अब दोनों का मिलन हो गया तो विकास कहाँ से होगा? विकास तो पीछे चला गया है। तिरमोहर थाना है पटना राजधानी का, हट में थाना में असाफ या क्या नाम था उसका, याजवल नाम था, थाना में घुस करके इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लेते, यह है विधि व्यवस्था। विकास पर ध्यान कैसे रहेगा इनका? विकास तो यही हुआ कि देखे ना कि भागलपुर में पुल जो है सो ध्वस्त हो गया। विकास उकास इनके एजेंडा में नहीं है, ये एन केन प्रकार न्यूज में रहना चाहते हैं, थक गए हैं। ये सरकार थकी हुई है, नेता सिद्धांत विहीन है, गठबंधन स्वार्थी गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का जमघट है, इनकी दाल नहीं गलने वाली है। इनको श्रेय देने वाले तो बीजेपी ही है।
हमने कहा ही कि हम लोगों ने इनको बनाया, हम क्या जानते थे, हम क्या जानते थे कि जिसको मतलब दूध पिला रहे हैं वो हमारा ही खिलाफ होगा। इन्होंने एक मुद्दा चुना कि भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे। भाजपा उनके साथ खड़ी रही, मजबूती से खड़ी रही, और हम तो कह रहे हैं इस बार भी उनको 43 सीट आया था, लेकिन भाजपा ने बढ़ करके उनको मुख्यमंत्री बनाया। 2000 में चले जाएंगे ना पीछे, 2000 में जहाँ से इनका इतिहास शुरू हुआ था, 2000 में भी इनको मात्र 36 सीट था, और भी अगर उधर का हटा दीजिए झारखंड इलाके का, इनके पास 31 सीट ही था, और बीजेपी के पास 75-76 उसमें भी था पूरे इतिहास, उनको उसमें भी मुख्यमंत्री बनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद।